वायरस की रफ्तार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसके मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव डी लॉन्च कर देगी। बता दें कि इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दरअसल देश में बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है और तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने कहा है कि वे अगले हफ्ते थर्ड फेज के डेटा DCGI को सौंप देगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्स के दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI भारत बायोटेक के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट कमेटी ने बीते मंगलवार को ट्रायल की सिफारिश की थी। कंपनी 525 वॉलंटियर्स पर अपनी वैक्सीन का 2/3 फेज ट्रायल करेगी। वहीं DCGI ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक ट्रायल में 515 पार्टिसिपेंट होंगे। इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रायल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पटना स्थित एम्स के अलावा कुछ अन्य मेडिकल संस्थानों में भी चलेगा। वहीं केंद्रीय सरकार ने कोवैक्सीन को इसी साल जनवरी में वयस्कों पर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनी COVID-19 की वैक्सीन है। वहीं सूत्रों के अनुसार देश में 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 44 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 12 से 17 की उम्र वाले लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। हालांकि सीमित सप्लाई को देखते हुए सरकार ने इस एज ग्रुप में भी प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाने का फैसला लिया है और ऐसी ही रणनीति बड़ों के वैक्सीनेशन अभियान में भी अपनाई गई थी। दरअसल ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि लोगों के बीच ज्यादा भड़बड़ ना हो जाए और सरकार के पास भी वैक्सीन का स्टॉक बना रहे। वयस्कों के साथ साथ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी हो गया है।